गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनू सोनी का ब्लॉग्स में। सुबह हो चुकी है और आज का ब्लॉग मेरा सुबह का किचन से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं आज घर में वाइफ नहीं है, तो मुझे आज दूध गर्म करना है। हम दूध को गर्म कर रहे हैं, तो ये सुबह का मेरा ब्लॉग है। बच्चे भी जग चुके हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, उनको खिलाना भी है और उनको नहलाना भी है। तो इस तरह से आज सुबह का मेरा ब्लॉग है। बच्चे अभी जग इधर उधर घूम रहे हैं। सूर्यांश का तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। फिर भी जो है मैं कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर के पास उसको ले गया था। डॉक्टर ने 10 दिन का दवा दिया है, उसको पेट में हमेशा दर्द रह रहा है। उसको छोटी आंत में उसको कोई थोड़ा सा इन्फेक्शन है। और पटना एम्स में भी मैं गया था, पटना एम्स में फिर वहाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ वो अच्छा नहीं, अच्छे की बात नहीं है। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट उस तरह से नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, रमेश चंद्र खौरी, जो बक्सर में हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिन्होंने कोरोना में मेरी जान भी बचाई थी। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का दिया हुआ है आज, और उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और एक ऐसे वो डॉक्टर हैं कि क्या बताऊं आपको, बिना मास्क का, पूरे कोरोना बिना मास्क का उन्होंने पेशेंट को देखा है, कोई मास्क नहीं। कोई ऐसे डॉक्टर को हम देखे कि शायद मनुष्य के रूप में भगवान ही आ गए हों। और उस समय मेरा जब सीटी स्कैन मेरा उन्होंने कराया, जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 89 के आसपास या 88 के आसपास मेरा एक ऑक्सीजन लेवल आ गया था और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उनके पास मैं गया। तो वही ऑक्सीजन मेरा चेक किया, उसके बाद तुरंत सीटी स्कैन लिखे। तो सीटी स्कैन में बहुत सारे वायरस मेरे फेफड़े में जमा थे, और वो वायरस लगभग, मैं बता रहा हूँ कि सीटी स्कैन में बताया कि आपका 17/25 आपका फेफड़ा जो है डैमेज है, मतलब कि 25 भाग में 17 भाग आपका जो है लगभग इन्फेक्टेड है। तो उन्होंने दवा दिया, और दवा दिया तो बुखार तो इतना होता था कि क्या मैं बताऊं, सर्दी खांसी बहुत सारे प्रॉब्लम, उन्हीं का दिया हुआ है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, और उनको मैं भगवान से कम नहीं मानता हूं, और मेरे लिए तो भगवान ही है। फिर तो मैं उन्हीं के पास ले गया हूँ सूर्यांश को, और उन्होंने सीटी स्कैन लिखा। तो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चला, तो सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में पता चला कि छोटी आंत में उसको कुछ लेटरिंग का या कुछ मल का, ऐसा उन्होंने बताया कि कुछ अंश उसमें पाया गया है, और जिसके कारण, देखिए मैं दूध भी गर्म कर रहा हूँ, कहीं जो है उबल ना जाए, जिसके कारण वो इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छे डॉक्टर हैं, और वो भी क्या बताऊं उनको, उनकी मैं तारीफ करूं या क्या, वो भी बेचारे ऑक्सीजन पर हैं, 24 घंटा ऑक्सीजन पर लेते हैं। उनका एक नाक की नली जो है ये खराब हो चुकी है, एक ही जो है नाक से उसका, तो 24 घंटे वो जो है ऑक्सीजन पर रहते हैं। और उनका यही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं सेवा करूँगा। मुझे लगता है कि बिहार के बक्सर जिले के मैं रहने वाला हूँ। बक्सर जिले के लगभग कोरोना में कम से कम वो 2-4 हज़ार मरीजों की तो जान बचाए ही होंगे, और एकदम सस्ते कम उपाय। और उनके सबसे बड़ी बात है कि जो जाता था बोलता था कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए, तो बोलते थे कि ऑक्सीजन लगाओगे तो मर जाओगे। उनका बस जो है बस यही था कि ऑक्सीजन लगाओगे तो मर जाओगे, ये मेरा दवा लो। और पता नहीं दवा में क्या जादू था। मेरा तो हम सुबह, हमको याद है कि मैं सुबह दवा खाया था, शाम को दवा खाया था, 5 बज के
57 मिनट पर मैं दवा खाया था, अभी मुझे याद है, 14 मई का दिन था और 5:57 पर मैं दवा खाया था। और दवा खाने के बाद मैं रात भर कई कई बार दवा खा रहा था। सुबह सुबह जब मैंने उठा और कुछ थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश महसूस किया, तो मैं थर्मामीटर से जो है बुखार चेक किया तो मतलब शरीर का टेम्परेचर इतना डाउन था कि मुझसे आश्चर्य हुआ कि जो आदमी आज 3 मई को बुखार आया था, उसके बाद जो है 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 102, 103 डिग्री, 104 डिग्री बुखार से झेल रहा है, और अचानक बुखार का डाउन होना, मतलब अचानक डाउन हो गया, मतलब सुबह नापे मुझे विश्वास नहीं आया। पापा आए, पापा बोले कि बुखार थोड़ा नापो, तो बुखार नापे तो पहले से 2 बार हम नाप चुके थे, फिर तीसरी बार नापे तो मुझे पता चला कि बुखार एकदम जो है और जितना शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए उससे भी कम। तो मैं एक दिन थोड़ा सा मन तो बहुत सुस्त था, उसके बाद दूसरे दिन एक दिन पूरा ओके था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन भी तक मेरा सही था। तो दूसरे दिन अपने फैमिली से मैं बोला कि अब लगता है कि मैं बच जाऊंगा, और आप लोग के लिए तो हम बोले कि अब मैं बच जाऊंगा और हमको अब सेपरेट व्यवस्था करो, क्योंकि मैं अब जीना चाहता हूं अकेले। मैं रूम में मैं एक ऐसे जगह पे चला गया कि जहाँ बच्चे भी नहीं आए और सबसे बात भी हो, और यही है, भगवान की इच्छा थी बच गए। तो मैं उन्हीं डॉक्टर के पास मैं ले गया हूँ, और उनका दवा जो है 14 दिन 15वें दिन मैं गया तो पूरी तरह से, वो डॉक्टर थे ही नहीं, 15वें दिन गया तो मैं डॉक्टर थे वो डॉक्टर नहीं थे, तो उनके कंपाउंडर के द्वारा देखा गया, तो बोले कि जाइए फिर टेस्ट करा के लाइए, कोरोना खत्म हो चुका था, और शरीर से पूरी बीमारी, मेरे शरीर का वजन 84 किलो से घट के 58 किलो चलाया था, मैं बहुत परेशान था, बहुत दिक्कत होती थी। और उसके बाद ठीक हो गया, ठीक होने के बाद जो है 14 दिन के बाद विटामिन्स दे दिए, विटामिन्स 15 दिन के बाद फिर मैं गया, बोले कि आप बाहर मत निकलिए और शरीर को जितना रेस्ट करना है रेस्ट दीजिए और बाहर ना निकलिए। तो मैं पूरी 1 महीना मैं कहीं बाहर नहीं निकला, और जिसका परिणाम है आप लोग के सामने है। तो वही उन्हीं के पास मैं ले गया हूँ, और रिलीफ है, थोड़ा सा बोलता है कि अभी पेट में दर्द है, लेकिन उसका उपाय मैं वेट करूँगा, उन पर काफ़ी फेथ है, काफ़ी विश्वास है, पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू है। और ठीक है दोस्त, तो आज सुबह का यही है, सोचा मैं आपके साथ मैं अपने विचार शेयर करूँ, तो कुछ जिम्मेदारी, आज मैं भी ऑफिस नहीं गया, तो यही है, उनको मैं दिखा रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं आगे एम्स वगैरह में मैं दिखाऊंगा, लेकिन देख रहे हैं कि ठीक है, कुछ दवा का भी असर कर रहा है, अच्छा है। और सबसे बड़ी उसका जब मैंने एडमिशन कराने के बाद ही सब उसका प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट ब्लॉग में बच्चे भी आएंगे, वाइफ भी आएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग मैं उनके साथ बनाऊंगा। आज का मेरा यही जो है ब्लॉग है, और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, मैं नेक्स्ट ब्लॉग, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए जी, धन्यवाद। देखिए मैं अभी दूध गर्म कर रहा हूँ, मैंने इसका फ्लेम भी कम कर दिया था, मैं तेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो है अब वीडियो मैं बंद करता हूँ। ठीक है, नमस्कार।